हेलो दोस्तों, आपको SBI स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो जून मंथ का पार्ट फोर वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाए, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ देरी न करते हुए। पहला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ठीक है, चलते हैं इसके डिटेल के बारे में, नोट में क्या लिखें। इसका थीम जो है 2022 के थीम जो इसका है, इसका थीम लिया गया है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19। इनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों, ये बहुत अच्छा VVI प्रश्न है, तो अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो थीम जो है, हर एक एग्जाम आने की चांस होती है। तो थीम किसका था? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का इसका थीम था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मो बस सेवा शुरू की, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, मो बस सेवा, तो मो बस सेवा जो शुरू किया वो उड़ीसा राज्य की तरफ से शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है, मानी कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक्स अकादमी। तो कौन सा देश के साथ किया है? तो यूके देश के साथ में भारत ने जो है राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं यूके के बारे में, आपको डिटेल बताते हैं। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी जो है लंदन, इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर जो है लंदन, इसकी सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की क्वीन कौन है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की क्वीन है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? पौंड है। और राष्ट्र में क्या, कौन सा राष्ट्रगान है? गॉड सेव द क्वीन यहाँ की राष्ट्रगान है। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है VVI है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं का राष्ट्रगान के बारे में पूछता है, तो आप उसको याद जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिनियम अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वह है वित्त मंत्रालय के अंडर जो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका डिटेल बताते हैं आपको, डिटेल में क्या बोल रहा है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार नशीले पदार्थ से संबंधित सभी मुद्दों को एक विभाग के तहत लाने के लिए एक अधिनियम के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने के लिए योजना बना रही है। जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो सोच रही है कि जितने भी अधिनियम जो है, तो उसे क्या कर रहा है कि वित्त मंत्रालय से जो है गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं, कौन सा राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेफ शुरू करने जा रहा है? तो कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य जो है मेडिसेफ जो है शुरू करने जा रहा है। केरल के बारे में बताते हैं आपको, केरल के डिटेल क्या है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। ये सबसे बड़ा शहर कौन है? तिरुवनंतपुरम जो है ये सबसे बड़ा शहर यहाँ की है। ठीक है दोस्तों, केरल में कितने जिले होते हैं? तो केरल में जो है 14 जिले जो है केरल में आते हैं। यहाँ की भाषा क्या है? मलयालम यहाँ की भाषा है। केरल का गठन जो किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में
केरल राज्य का गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? यहाँ का राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराय विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें जो है 140 जो है विधानसभा की सीटें हैं, 140 जो है विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 9 राज्यसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितने हैं? 20 जो है लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न बता रहा है, किस वैश्विक ब्लॉक ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू किया, मैंने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो किसने किया? G7 की तरफ से किया गया है। G7 के तरफ से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की गई है। आपको बताते हैं G7 के बारे में। G7 के बारे में क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 के अन्य नेताओं ने जर्मनी में स्लॉस एलमोन में अपनी वार्षिक सभा में पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को फिर से शुरू किया है। जो कभी ये बंद हो गया होगा तो फिर से जो है ये वार्षिक सभा में जो है इस टाइप का शुरू किया है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को मुकाबला करने के लिए, जो कि ये करने के लिए 5 वर्षों में 600 मिलियन डॉलर जुटाना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है G7 है, तो G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो G7 में आपके आते हैं कनाडा आता है, ठीक है दोस्तों, कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है G7। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सा आ गया? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो है 7 का समूह है, 7 देशों का समूह है जिसको G7 नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तब चलते हैं। EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो एक जो है ये सर्वे किया गया, तो सर्वे में ये पता किया गया कि दुनिया में जो है सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो कौन सा शहर है? तो वियना शहर है। कौन है? वियना शहर जो है सबसे रहने योग्य शहर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले EIU का फुल फॉर्म क्या होता है? EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है इसका। EIU का फुल फॉर्म होता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। मई 2022 के 22 के लिए दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर को अपनी वार्षिक रैंकिंग ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जारी किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि 173 शहरों को कई मापदंडों के आधार पर रैंक किया गया है। क्या किया गया? 173 शहर हैं, 73 शहर को जो है हर एक ढांचे की तरफ से जो है इसको मापा गया है। वो कौन कौन से ढांचे हैं? तो सबसे पहले उसके बुनियादी ढांचे हैं कि उसका वहाँ का बनावट कैसा है, हरित स्थान, वहाँ का जो है पार्क जो होते हैं हरित स्थान, जो पार्क होते हैं वहाँ खेती जो है उसके हिसाब से पार्क के हिसाब से है हरित स्थान, हरा भरा जगह के बारे में बोल रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक स्थिरता में ज़्यादा कि आपस में ही है, जो राजनेता आपस में झगड़ तो नहीं रहे हैं या राजनीतिक तो आपस में नहीं कर रहे हैं, उसको भी देखा गया है। अपराध दर, वहाँ के जो है अपराध दर कैसी है, और स्वास्थ्य देखभाल उनकी वहाँ का जो है उपचार कैसा है, ये सभी को शामिल करते हुए जो है ये वियना जो है इसके वियना शहर को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो वियना जो है किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है। देखिए आपको यहाँ पे जो है देश और राजधानी उसकी भी बता रहे हैं हम। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और
स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड का जो एक जो है शहर है ज्यूरिख, ज्यूरिख एक शहर है। तो ये जो है वियना, कोपेनहेगन और ज्यूरिख, इन तीन शहरों को शीर्ष स्थान पे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तब चलते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को मनाया जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? कौन सा? जुलजाना। ये बहुत अच्छा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। तो कौन सा देश है? ईरान है। ईरान ने क्या किया? जुलजाना नाम का एक ठोस ईंधन रॉकेट को लॉन्च किया। आपको बताते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल बताते हैं। ईरान ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जिसकी लंबाई कितना है? 25.5 मीटर जो है इस रॉकेट की लंबाई है, जो 220 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, कितना? 220 किलोग्राम का उपग्रह ले जाने में सक्षम है। ठीक है, जुलजाना का नाम कैसे रखा गया? तो जुलजाना नाम जो है रखा गया है पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन, पैगंबर मोहम्मद के पोते का नाम था इमाम हुसैन, उसके घोड़े के नाम पे जुलजाना जो है नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अमिताभ कांत के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को जो है अमिताभ कांत के बाद नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बताते हैं आपको इसके बारे में, नोट में दिया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन से बैच के थे? 1981 बैच के थे IAS अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो इनको जो है परमेश्वरन अय्यर हैं, परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के मुख्य सचिव भी है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व किया, वे अमिताभ कांत की जगह लेंगे जो इस साल 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अमिताभ कांत के जगह पे जो है ये हमारे परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों आपसे और भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।